IBN 7 Horsefly. नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 बजे। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी रविवार को एक बार फिर रेडियो के जरिए लोगों के सामने अपने मन की बात रखेंगे। इस बार प्रधानमंत्री की बातचीत का विषय होगा नशे की लत। प्रधानमंत्री हर महीने लोगों से रेडियो के जरिए संपर्क साध रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात सबके सामने रखेंगे। अपने इस खास रेडियो प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दों पर लोगों के विचार और सुझाव साझा करते हैं। देश की युवा नस्ल की बर्बादी का सबसे खतरनाक हथियार है ड्रग्स यानी नशा। देश का कोई हिस्सा इस खतरे से अछूता नहीं और इस बार यही मुद्दा है पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का, जिसे वो रविवार सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए देश के लोगों से साझा करेंगे। 2 नवंबर को पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से नशाखोरी से जुड़ी जानकारियां और विचार मांगे थे। पीएम ने इस बारे में ट्वीट किया है कि रविवार को 11 बजे मैं मन की बात रेडियो कार्यक्रम में अपने आप विचार रखूंगा। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था, इस बार मैं नशे के खतरे पर बात करूंगा। कई लोगों ने इस विषय पर अपने विचार, टिप्पणियां और अंतर्दृष्टि साझा की है जो आंखें खोल देने वाली है और बेहद मददगार है। इस योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद। पिछले दिनों आईबीएन 7 ने खास कार्यक्रम के जरिए पंजाब में फैले मौत के इस नशे से आपको रूबरू करवाया था, जहां 50% से ज्यादा युवा नशे की गिरफ्त में हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है। पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्य यानी देश के हर कोने में ये राक्षस अपने पांव पसार चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के नौनिहालों में खतरे की हद तक बढ़ रही नशे की लत पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और तमाम राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ऐसे संजीदा मुद्दे पर लोगों से बात करना वाकई देश के लिए अहम होगा। यह वास्तव में इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी कि देश का प्रधानमंत्री नशाखोरी जैसे समस्या के बारे में कितना गंभीर है और कितना प्रतिबद्ध है उसे लड़ने के लिए। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री लोगों के साथ अपने मन की बात साझा करेंगे। पीएम ने पहली बार 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन लोगों से मन की बात की थी। तब पीएम ने हर शख्स से अपील की थी कि वो कम से कम एक कपड़ा खादी का जरूर खरीदें, क्योंकि इसका फायदा गरीबों को होगा। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है। अपने वादे के मुताबिक ठीक एक महीने बाद पीएम दूसरी बार रेडियो के जरिए 2 नवंबर को लोगों से रूबरू हुए। इस बार उनकी बातचीत के केंद्र में था काला धन। पीएम ने कहा कि किसी को नहीं मालूम है कि कितना काला धन देश के बाहर है। मोदी ने कहा कि काले धन को वापस लाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, आईबीएन 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशे के शिकार युवाओं से जुड़ी मन की बात करना चाहते हैं। पूरे देश में नशे की खेप के सबसे बड़े ग्राहक नौजवान ही हैं, लेकिन पंजाब में नशे का असर खतरनाक रूप से पूरे देश में सबसे ज्यादा है। नशे के इस कारोबार में पंजाब पुलिस के कई अफसर, कई बड़े नेता और नामचीन हस्तियों के शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं।
आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में 15 से 35 साल के नौजवानों का 50% हिस्सा ड्रग्स का शिकार है। कहा जाता है कि पाकिस्तान सीमा से पंजाब में नशे का कारोबार होता है, लेकिन पिछले साल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होने पर खुलासा हुआ था कि ड्रग्स का कारोबार पंजाब और उसके नजदीकी इलाकों से ही किया जा रहा है। पंजाब में बढ़ते ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा देने का आरोप कुछ अकाली नेताओं पर भी लगता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ड्रग्स के धंधे में पंजाब सरकार में मंत्री और बादल के रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हैं। मजीठिया केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर के भाई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि रिश्तेदारी के चलते ही बादल सरकार मजीठिया का बचाव कर रही है। किसको आपने गद्दी पे बैठाया है, किसको आपने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के मंत्रियों पर आरोप है कि जो नशे का कारोबार है उनके यहाँ से चलता है। अकाली दल पर आरोप लगाने वालों में विपक्षी नहीं बल्कि सूबे के खुफिया महकमे के मुखिया शशिकांत भी शामिल है। पंजाब के पूर्व डीजीपी इंटेलिजेंस रहे शशिकांत का आरोप है कि ड्रग्स के इस धंधे में अकाली दल के कई नेता शामिल हैं। वो ये बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कह चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नशे की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अकाली दल विपक्ष के आरोपों से इनकार करता आया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि ड्रग्स की खेप पाकिस्तान से आती है और सरकार उस पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश करती रही है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो पंजाब, पंजाब तो रास्ता है बॉर्डर, बॉर्डर तक सेंटर दे पंजाब गवर्नमेंट नहीं। पंजाब सरकार हर बार ड्रग्स को लेकर पड़ोसी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देती है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में पंजाब में इस कारोबार ने अपनी जड़ें जमाई हैं, उसे देखते हुए इस काले कारोबार को रोकने में प्रशासन की विफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। प्रधानमंत्री, अगर खास तौर पे पंजाब की बात करते हैं तो वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश के सबसे अमीर राज्यों में है पंजाब, लेकिन उसकी चमक दमक के पीछे नशे का गहरा अंधेरा है। आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब का हर चौथा नौजवान नशे की गिरफ्त में है। नशे का भंवर पंजाब की बहुत सी बस्तियों को विधवाओं की बस्ती में बदलता जा रहा है। IBN 7 अपनी पड़ताल में ऐसी कई बस्तियों में पहुंचा जहां नौजवान और मर्द गिनती के बच्चे हैं। नशे की लत ने परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए हैं। अमृतसर, ऐतिहासिक शहर, लेकिन आस्था के इस शहर को मौत का विचित्र भंवर अपने आगोश में ले रहा है। इस भंवर की जीती जागती निशानी है मकबूलपुरा विधवाओं की बस्ती। अमृतसर के कोने में बसा ऐसा नर्क जहां जिंदगी सस्ती है और मौत सिर्फ चंद रुपए में बिक जाती है। मकबूल पुरानी कहानी सुनकर वाकई डर लगता है, कैसे एक के बाद एक इस बस्ती के नौजवान जवानी की दहलीज पर पांव रखने से पहले ही मौत के आगोश में चले गए और पीछे छोड़ गए गरीबी में पिसते अनाथ बच्चे और बेबस परिवार। पूरा पंजाब इस तरह की बस्तियों से भरा पड़ा है। नशे के भंवर ने मकबूलपुरा की बलबीर कौर को एक नहीं बल्कि दो बार विधवा बना दिया। बलबीर की शादी 1990 में हुई, एक साल बाद बेटा पैदा हुआ। बेटा भी एक साल का ही हुआ था कि स्मैक की लत ने बलबीर के पति को उससे छीन लिया। बलबीर की दूसरी शादी देवर के साथ हुई, लेकिन तीन साल बाद स्मैक की आदत ने उसे भी बलबीर से छीन लिया। दो पति छीन लेने के बाद नशे का भंवर अब उसके जवान बेटे को निगलने पर आमादा है। जद्दा पिंड खत्म हो गया जो मेरा घर वाला मरिया ना, उदो का सारा पूरी पिंड जिन्ने क पींदे सारे चल गए। साडे घर च तीन जी चल गए, साडे घर च नशे कर करके तीन जी मर गए, एक मेरा जेठ मरिया ते दो मेरे घर वाले। दिन के उजाले में भी नशे का स्याह अंधेरा अमृतसर के छरेटा गांव में भी पसरा है। यहां सबसे आसानी से मिलने वाली चीज नशा और नशेड़ी है। टेंशन बहुत है, घर की टेंशन है। क्या टेंशन आपको? कोई है नहीं, मतलब पैसे पूछे ऐसे ले लिए, या दोस्त से तू ले ले कभी। पंजाब में नशे की लत अमीर या गरीब का अंतर नहीं करती। जिसके पास पैसा है वो हेरोइन खरीद कर पी रहा है,
जिसके पास पैसा नहीं है वो भी नशे में डूबा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो महंगी हेरोइन, अफीम, कोकीन, स्मैक की जगह सिंथेटिक और प्रीकर्सर ड्रग्स खरीद कर ही तलब मिटा रहा है। चमन पलनिया के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, आईबीएन 7। पंजाब में वोट की फसल काटने के लिए नेता नशे के खाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये खुलासा कोई नया नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त खुद चुनाव आयोग ने भी इसी तरफ इशारा किया था। इस धंधे की पड़ताल में आईबीएन 7 को यह पता चला है कि हेरोइन, अफीम और चरस का ही नहीं, दवाओं का भी नशे के तौर पर धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन पंजाब का भविष्य किधर जा रहा है ये साफ है। यहां मासूम नशा छोड़ने के नारे लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर के सिर से पिता का साया उठ चुका है, अब स्कूल ही उम्मीद है। बीजे प्यो टीके लाता सी मर गया, तो मां घर छड़ के चली गई। चाइल्डहुड के जो बचपन में छड़ जाते हैं, वह बच्चे ने ना अपने प्यो ने वेख्या ना अपनी मां ने वेख्या, बच्चे डिपेंडेंट है दादा जी पढ़ने बुढ़ापे। मास्टर जी बता रहे थे एक लड़का 20 कैप्सूल रोज के खाता है, 6 रुपए का एक कैप्सूल है। आज ये कहा जाता है कि पंजाब में 6th river फ्लोइंग इन पंजाब इज ऑफ ड्रग अब्यूज, छेमा दरिया नशिया का। नशे के इस भवन में उतरने का इसका फैलाव दिखता है। सरहदी जिले अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर और फिरोजपुर नशे की तस्करी के गढ़ बन गए हैं। पटियाला, लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर में नशे के लिए कैप्सूल और हेरोइन का इस्तेमाल होता है। भटिंडा और मुक्तसर में अफीम और चूरा पोस्ट का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। 30 साल में यहाँ शराब, भांग और अफीम की जगह हेरोइन, कोकीन और स्मैक का भंवर फैल गया है। They are having this business, though it's an illegal business, but they are having their interest that this business should expand. More and more people should be attracted towards intoxication. They may start consuming this, and only then their income can flourish. एक सच ये भी है कि ड्रग्स के लालची कारोबारियों और नेताओं की साठगांठ भी पंजाब को नशे के दलदल में धकेलने की जिम्मेदार है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वोट खरीदने के लिए सियासत के मोहरों ने जमकर नशा और प्रीकर्सर ड्रग्स बांटी। चुनाव के एक हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने 3 लाख कैप्सूल, एविल के 2000 इंजेक्शन, कफ सिरप के 3000 डिब्बे जब्त किए। पंजाब का ये हाल देखकर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त भी दंग रह गए। लिकर एंड ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में है, ड्रग की प्रॉब्लम तो पंजाब में हमने पहली बार सुनी और किसी स्टेट में किसी ने जिक्र नहीं किया था। अगर हुआ भी होगा वहाँ पे तो हमसे जिक्र नहीं किया था। सवाल ये है कि पंजाब में ड्रग्स के ट्रेंड का जिम्मेदार कौन है? क्या जवाब जानना वाकई इतना मुश्किल है? चाहे कांग्रेस थी या चाहे अकाली दल या कोई और पार्टी, किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जो इसका जो नेक्सस है उसको ब्रेक किया जाए। लेकिन पंजाब को नशे के नर्क में झोंकने वाले अकेले लालची सियासतदान ही नहीं है, गलत दिशा में जाते नौजवानों के पीछे कोई और भी है। नशे के इस भंवर का असली खलनायक, चमन पलनिया के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, आईबीएन 7। प्रधानमंत्री ने राजौरी में भाषण देते हुए कहा, आज मैं वहां खड़ा हूं जहां पाकिस्तान मेरे ठीक सामने है और पाकिस्तान की एजेंसियां भारत में कई समस्याएं लाती हैं। जब ये सवाल भी आप ढूंढने जाते हैं कि पंजाब में भारी तादाद में ड्रग्स आते कहां से हैं, तो इसका जवाब सामने आता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसके पीछे है। वही ISI जिसने 80 के दशक में पंजाब को आतंक की भट्टी में झोंका था। सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से यह धंधा चलता है, लेकिन इसमें पंजाब की तरफ से मौजूद स्थानीय लोगों की मदद भी ली जाती है। पंजाब की बर्बादी की ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि वीर जवानों, अलबेलों और मस्तानों की इस धरती का दुश्मन है कौन? जवाब की तलाश में हम पाकिस्तान से सटे खेमकरण सेक्टर में पहुंचे। इस साल यहां से 700 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा चुकी है। कहने को यहां कटीले तारों की दीवार है, लेकिन तस्करों के एक कुरियर ने पहचान छिपाने की शर्त पर इस दीवार के भेदने के तरीके का खुलासा कर दिया।
80 के दशक से पहले पंजाब में ड्रग तस्करी ना के बराबर थी। उस वक्त अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी ईरान के रास्ते अमेरिका और यूरोप में होती थी, लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लामिक राज आया, इसके साथ ही अफगानिस्तान से ड्रग तस्करी का रास्ता पाकिस्तान की ओर से होते हुए पंजाब की ओर मोड़ दिया गया। अफगानिस्तान में अफीम से हेरोइन तैयार की जाती है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। पाकिस्तान में ये 5 से 6 लाख रुपए में बिकती है। पंजाब पहुंचते ही ये 30 लाख रुपए प्रति किलो हो जाती है। मुंबई पहुंचकर 1 किलो हीरोइन 1 करोड़ रुपए की हो जाती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसके लिए 5 करोड़ रुपए तक वसूला जाता है। जाहिर है दुनिया में सालाना 500 अरब डॉलर के ड्रग्स के कारोबार में पंजाब रूट सबसे अहम है, जहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में तस्करी होती है। इसी साल AK-47 से लैस पाकिस्तानी तस्करों ने BSF से 1 घंटे तक लोहा लिया, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स जानबूझकर खामोश रहे। हालांकि वो भारत पर तोहमत लगाने से चूकते नहीं। May I tell you that at times one wonders that in the presence of such a elaborate defense system, fence and control of gates with the BSF, how come some people could come across? अटारी बॉर्डर पर कस्टम्स DRI पंजाब पुलिस की मौजूदगी में भी तस्कर चकमा देने की तरकीब तलाश ही लेते हैं। यहाँ रोजाना करीब 2500 ट्रक पाकिस्तान से आते हैं। शक होने पर इनकी जांच की जाती है। आधा दर्जन स्टाफ और एक स्निफर डॉग की बदौलत तस्करी पकड़ना बड़ी चुनौती है। स्निफर डॉग की रिक्वेस्ट गई हुई है, हमारा डायरेक्टर लॉजिस्टिक है दिल्ली में, वो हमारे को कुत्ते देगा, तो हमारे आदमी ट्रेनिंग में टेकनपुर BSF एकेडमी जो है ग्वालियर में वहाँ गए हुए हैं। 2012 में पाकिस्तान से आई मालगाड़ी में 550 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई। समझौता एक्सप्रेस से भी तस्करी होती है। सरहद से ड्रग्स की सप्लाई को रोकना जरूरी है, लेकिन पुलिस का जोर हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट ध्वस्त करने पर है। समस्या का समाधान इसमें है कि जो पाइपलाइन है उसे प्लग किया जाए, उसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको उन पे शिकंजा कसा जाए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्रग्स रैकेट से कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आते रहे हैं। बीते साल पुलिस ने अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जगदीश भोला को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी रैकेट में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी उछला। पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। चमन पलानिया के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, IBN 7। यानी कुल मिलाकर आपने देखा कि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक बहुत बड़ा गुट है जो ड्रग्स के जरिए पैसे कमा रहा है, लेकिन इसका नुकसान उठा रहे हैं युवा। देश के अलग अलग हिस्सों में ये बात देखी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर अगर ये समस्या कहीं है तो वो पंजाब के अंदर है, जहां हर चौथा युवा नशे की गिरफ्त में है। इसीलिए जरूरी है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये बात मन की बात में करते हैं तो वो एक नई शुरुआत होगी, लेकिन जरूरी यह होगा कि युवा, उनके परिवार वाले और पूरा समाज इसमें मिलकर